तो आज है होली का दिन और मैं होली की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। हमारे यहाँ नॉर्मली 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही होलिका की पूजा होती है, और अभी 2 बजे के बाद का समय है। और तो अब मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा भारी कपड़े, साड़ी व या भारी सूट नहीं निकाला है, घर की ही मेरी कोई नॉर्मल सा ही जो मेरा सूट है ये मैंने पहन लिया है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही है और जो हैवी मेरे कपड़े हैं उनको निकालने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और उसकी हालत आज मेरी है नहीं। तो मैंने यही सिंपल सा सूट निकाल लिया है, चल जाएगा पूजा में, कलर भी पिंगी है और साथ में मैंने ये इसका दुपट्टा ले लिया है जिसमें ओम भी बना हुआ है और गायत्री मंत्र भी लिखा हुआ है। तो पूजा के में ये इस तरह के दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। अब देखिए ओम वाला दुपट्टा मैंने ओढ़ लिया है और मैं प्रॉपर पूजा के लिए तैयार हो गई हूँ और यही पूजा लुक है मेरा आज का। अब मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ पूजा की सामग्री लेकर। अब ये हम अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ का मुझे इतना पता नहीं है कि होली कहाँ बनाई गई है, तो वही मैं पूछते पूछते निकली हूँ बाहर कि जहाँ मुझे पता चले, और मंदिर में होली बनी हुई थी तो हमने यहाँ पर पूजा कर ली है और ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी तो बड़ा इजीली हमने पूजा कर लिया। मैं मंदिर से बाहर आ गई हूँ, बाहर आकर मंदिर के बैक साइड था, मैं बाहर की तरफ मंदिर की तरफ आई हूँ, यहाँ ऊपर चढ़कर ही मंदिर था तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर में भी जाया जाए और दर्शन भगवान जी के दर्शन किए जाए। तो देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं, इतनी सारी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद वहाँ पर मंदिर है, तो मैं वहाँ हाथ जोड़ आई हूँ। अब देखिए ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। अब हमारी पूजा हो चुकी है और हम घर की ओर निकल रहे हैं, हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो आप देखिए इस इलाके में नहीं हूँ तो मुझे इतना रास्तों का पता नहीं है, और देखिए दोपहर का समय है और आसपास आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने देखा है कि मैं कोई भी मुझे यहाँ पर पूजा करता हुआ दिखा नहीं है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बस मुझे आते और जाते हुए सिर्फ एक आंटी दिखी थी जो होली की पूजा करने के लिए गई थी, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी नहीं था। शायद यहाँ पर पूजा नहीं करते, पर जब मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ तो होली के समय इतना उत्सव का सा माहौल रहता था और सब पीले पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने आते थे, पर यहाँ पर देखिए कोई नहीं है, मैं ही हूँ अकेली जो यहाँ होली की पूजा करने के लिए सड़क पर हूँ, बाकी सभी अपने घरों में हैं और कोई भी बाहर नहीं है। इक्का दुक्का लोग हैं बाहर, वो भी अपने काम से नहीं, अदरवाइज सब अपने घरों के अंदर हैं, कोई भी बाहर नहीं है। तो अब मेरी भी पूजा ख़त्म हो गई है, बस मेरा घर बड़ा नज़दीक ही है, मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। और अब देखिए मैं दरवाजे पर आ गई हूँ, मैंने वहाँ पर थोड़ा जल छिड़का और सात्विक बनाया। हमारे यहाँ पूजा के बाद ऐसे ही दरवाजों पर सात्विक बनाया जाता है, अच्छी अच्छी विशेष के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और आप लोग भी अच्छी अच्छी विशेष दीजिएगा, आप सभी को भी हैप्पी होली। और ये मेरी पूजा हो गई है, अब मैं घर के अंदर जाऊंगी और थोड़ा आराम करूंगी। अब देखिए मैं थोड़ा आराम करने के लिए आ गई हूँ। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब।